नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। केकेआर कितनी है तैयार, इस बात को जान लेना जरूरी है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अब नए कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में है। ऐसे में श्रेयस अय्यर किस तरीके से इस टीम को आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स की मजबूती और कमजोरी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं केकेआर की मजबूती। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इस सीजन नए कप्तान के साथ उतरने के लिए तैयार है। श्रेयस अय्यर को फ्रेंचाइजी के रूप में नया कप्तान मिला है। हालांकि टीम के लिए यह फैसला अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले सीजन एन मॉर्गन बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके क्योंकि पिछले सीजन एन मॉर्गन ने बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजी में वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर के पास आईपीएल में कप्तानी करने का अच्छा अनुभव है और वह बतौर बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं। टीम के पास अच्छे विदेशी खिलाड़ी हैं। टीम का बल्लेबाजी क्रम पिछले सीजन की तरह इस बार संतुलित नजर आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्टार स्पिनर टीम में मौजूद हैं। राणा, बिलिंग्स और रसेल जैसे धाकड़ हिटर हैं, जो इस टीम को मजबूत बनाते हैं। केकेआर की कमजोरी, टीम में पैट कमिंस को छोड़ दें तो तेज गेंदबाजी आक्रमण कमजोर दिखाई दे रहा है। भारतीय तेज गेंदबाजों की कमी है। उमेश यादव जरूर टीम में है, लेकिन उनको आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिले। डेथ बॉलिंग में टीम के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। टीम ने ऑक्शन में दो विकेट कीपर को खरीदा था। भारतीय खिलाड़ी सेल्डन जैक्सन और सैम बिलिंग्स को टीम ने आगामी सीजन के लिए लिया था, क्योंकि सेल्डन T20 में बड़ा नाम नहीं है। ऐसे में बिलिंग्स को हर मैच में टीम में रखना अय्यर के लिए मजबूरी बनने वाली है। वहीं रसेल, नरेन और वरुण की फिटनेस पर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं। अगर ये खिलाड़ी चोटिल होते हैं तो श्रेयस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस तरीके से ये टीम कमजोर हो सकती है। फिलहाल केकेआर की अगर फुल स्क्वाड पर नजर डालें तो टीम कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जिसमें आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस, नीतीश राणा, शिवम मावी, शेल्डन जैक्सन, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रसिक डार, शमिका करुणारत्ने, बाबा इंद्रजीत, अशोक शर्मा, प्रथम सिंह, अभिजीत तोमर, सैम बिलिंग्स, अरुण फिंच, रमेश कुमार, मोहम्मद नबी, अमन खान और उमेश यादव। तो इस तरीके से कुछ केकेआर की टीम है। अब देखना होगा कि केकेआर कितनी है तैयार और किस तरीके से इस आईपीएल में दो बार की चैंपियन प्रदर्शन करती है और अय्यर किस तरीके से इस टीम को आगे बढ़ाते हैं।